नमस्कार वाइब्रेंट टाइम न्यूज़ में हूं प्रार्थवी आपનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વાત કરીએ આજના સમાચારની। આજે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સોમનાથ અનેક પરિયોજનાઓના ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યા હતા। તેમજ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં નિર્માણ થઈ રહેલા પાર્વતી મંદિરનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ સોમનાથ મંદિરમાં પ્રાંગણમાં ₹30 કરોડના ખર્ચે શ્રી પાર્વતી મંદિર બાંધકામમાં આવી રહ્યું છે, જેમાં આ મંદિર અંબાજીના આરસથી બાંધવામાં આવશે અને મંદિરનું શિખર 71 ફૂટનું અને અલગ અલગ 44 સ્તંભ કોતરણી સાથે નૃત્ય મંડપ પણ બનાવવામાં આવશે। આ પ્રસંગે પાર્વતી મંદિરના 25 કરોડનું અનુદાન ટ્રસ્ટને આપીને નિર્માણના મુખ્ય દાતા ભીખુભાઈ કેશુભાઈ ધામેલિયા અને તેમના પરિવારના સભ્યો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રીએ સંબોધન કર્યું હતું। લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી, આદરણીય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહજી, અમારે ગુજરાત કે સાથી મંત્રી શ્રી જવાહરભાઈ ચાવડા, જિલ્લા પંચાયત કે અધ્યક્ષા શ્રીમતી રામીબેન ઓર સોમનાથ ટ્રસ્ટ કે ટ્રસ્ટીગણ કે સદસ્ય શ્રી પ્રવીણભાઈ લહેરી ઓર શ્રી જેડી પરમારજી, ઉપસ્થિત ભાઈ ઓર બહેનો, મેં ગુજરાત કી જનતા, રાજ્ય સરકાર ઓર શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ કી ઓર સે પ્રધાનમંત્રી શ્રી ઓર ગૃહમંત્રી જી કા ઓર આદરણીય અડવાણી જી કા મેં સ્વાગત કરતા હું। પર્યટન મંત્રી ઓર રાજ્ય મંત્રી શ્રી ઓર મંત્રાલય કે સહયોગ કે લીએ મેં બહોત આભારી હું। ગુજરાત કે લીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી ને જો ઉચ્ચ લક્ષ્ય રખે હે ઉસે પ્રાપ્ત કરને કે લીએ હમ સબ પ્રતિબદ્ધ હે। હમારા સૌભાગ્ય હે कि सोमनाथ ट्रस्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अध्यक्ष है और गृह मंत्री श्री अमित भाई ट्रस्टी है। 2010 में ट्रस्टी मंडल में नियुक्ति के बाद श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोमनाथ के विकास को एक नई दिशा और दृष्टि दी है। पिछले 10 साल में लीलावंती अतिथि गृह, महेश्वरी अतिथि गृह और सागर दर्शन अतिथि गृह जैसे आधुनिक सुविधा युक्त अतिथि गृह जिसमें 300 कमरे का निर्माण हुआ और नए 3 भोजनालय से स्वरोजगार का भी निर्माण हुआ और अतिथियों को सुविधा भी प्राप्त हुई है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई के निर्देशन पर श्री कृष्ण की अंतिम लीला के स्थल पर श्री कृष्ण मंदिर का संपूर्ण नव निर्माण किया गया और त्रिवेणी संगम पर राम मंदिर का भी निर्माण एवं सभागृह की व्यवस्था की गई है। श्री सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह, दरवाजे, स्तंभ, शिखर के कलश एवं त्रिशूल को सुवर्ण से मंडित करने से सोमनाथ का प्राचीन वैभव लौट आया। सामान्य जन के निवास के लिए 320 लोगों की क्षमता वाले डोरमेंट्री का भी निर्माण हुआ है। मंदिर और रास्ते को रोशनी से सुशोभित किया गया है और प्रवास तीर्थ को स्वच्छ और सुंदर बनाने में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अविरत प्रयत्न की मैं बहुत बहुत अभिनंदन और सराहना करता हूं। भारत सरकार ने प्रासाद योजना शुरू करके द्वारिका और सोमनाथ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोमनाथ में 2000 कार, 120 बस के लिए अति आधुनिक पार्किंग सुविधा और पर्याप्त संख्या में शौचालय की भी व्यवस्था की गई है और यात्री सुविधा केंद्र एवं धन कूड़े का रूपांतर जैसे 3 प्रोजेक्ट का पिछले साल लोकार्पण भी किया था। आज प्रसाद योजना का सबसे सुंदर प्रोमोनेड समुद्र दर्शन पथ का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री करेंगे तथा प्रभास तीर्थ की शोभा और बढ़ेगी। सोमनाथ मंदिर के परिसर में माता पार्वती जी का एक बड़ा मंदिर का निर्माण होने से कई श्रद्धावान भक्तों को
आनंद और संतोष मिलेगा। प्राचीन मातोश्री अहल्याबाई होलकर निर्मित जूना सोमनाथ मंदिर के परिसर का भी निर्माण होने से भगवान के सम्मुख प्रवेश करके भक्तों को आनंददायक अनुभव होगा। मंदिर शिल्प कार्य और रचना के बारे में कायमी प्रदर्शन द्वारा प्राचीन मंदिर निर्माण के बारे में अच्छी माहिती मिलेगी। यह चार परियोजना का खर्च 80 करोड़ से ज्यादा है। मुझे ये जानकारी देखते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार की ओर से पीने का पानी, सोलर पावर एवं सीसीटीवी कैमरा सिस्टम के लिए 26 करोड़ की लागत से कई काम पिछले 5 साल में किए गए हैं। यात्रा धाम में स्वच्छता अभियान की शुरुआत सोमनाथ से ही की गई थी। पिछले 5 साल में 6 करोड़ का खर्च करके देश के स्वच्छ मंदिरों की सूची में सोमनाथ का नाम शामिल हो सका। हर महीने 6 करोड़ से अधिक मुलाकातियों को के साथ सोशल मीडिया में डिजिटल दर्शन में सोमनाथ मंदिर सबसे आगे है। कोविड और साइक्लोन के समय में भी सोमनाथ ट्रस्ट के लोगों की सुविधा और मदद देने में उल्लेखनीय कार्य किया है। कौशल्य निर्माण कार्य में अभी तक 2000 से ज्यादा युवा युवती को स्वरोजगार में स्थापित किया है। सोमनाथ ट्रस्ट की सेवा की प्रवृत्तियों से गिर सोमनाथ जिले में लोगों को बहुत लाभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्र के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ प्रभास तीर्थ के विकास में राज्य सरकार उनके सपने को साकार करने में सदैव परिश्रम और सहयोग करेगा। यह कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देने के लिए मैं गुजरात की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित भाई शाह सोमनाथ जी के अनन्य भक्त है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से इस क्षेत्र के विकास के लिए अविरत कार्यरत है। सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हमारे देश के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ संकल्प से शुरू हुआ और आज हमारे गुजरात के सर्वाधिक सक्षम और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता में सरदार साहब का सपना साकार हो रहा है और उससे भी आगे बढ़कर ये प्राचीन तीर्थ की गरिमा आसमान को छू रही है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि मैं इस पवित्र अभियान में प्रदान करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और राज्य सरकार गुजरात की जनता की ओर से फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय सोमनाथ। समाचारમાં બસ અત્યારે આટલું જ। વધુ જાણકારી માટે જોતા રહો વાઇબ્રન્ટ લાઈવ ન્યૂઝ। નિર્ભય સત્ય, જનતાનો અવાજ।